पानी यहाँ से नीचे आ रहा है और यहाँ जा रहा है इस एरिया में, और यहाँ बहुत सारी गाड़ियाँ रुकी। तो हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, स्वागत है आपका मेरे न्यू ब्लॉग में। तो पैकिंग करके निकल चुका हूँ मैं पेट्रोल पंप से। तो आज का सफ़र कुछ है 45 किलोमीटर, और बारिश दिखा रही है 90%, और बादल का मौसम बना हुआ जैसे देख रहे हो आप। तो चलो जी, शुरू करते हैं राइड को, लेके प्रभु का नाम, हर हर भोले। चलो जी, बड़ा ज़बरदस्त मौसम है, मज़ा आ रहा है भाई। 45 किलोमीटर है, सबसे पहले चाय नाश्ता, उसके बाद सीधा एक ब्रेक लेके पहुँचूँगा और दिखाता हूँ वहाँ, तो रामेश्वरम पहुँच ही जाऊँगा भैया चौथे दिन में। तो जी, तकरीबन 1 घंटा चला लिया, 9 बज गए और 10-12 किलोमीटर आ चुका हूँ। ये सामने बोर्ड लगा हुआ है, तो बारिश भी हल्का 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 बूंदाबांदी हो रही, तो मैं सोचा रुक लेते हैं, थोड़ा वेट करते हैं, तो होटल है यहाँ पे, ब्रेकफास्ट कर लेते हैं, सुबह तो चाय पिए थी। तो ये देखो मस्त परांठा बन रहा है, ये देखो जी। ये आ गया अपना सांभर और ये आ गया परांठा। चलो जी, करें शुरू। गर्म काफ़ी है, टेस्ट करके बता देते हैं कैसा है। बहुत गर्म है, बढ़िया हो गया जी, मस्त नाश्ता हो गया। बारिश होना शुरू हो गई, सही टाइम पे मैंने शेड के नीचे लगा लिया भाई साइकिल, जो भीगने से बच गया और मैं भी भीगने से बच गया। तो यार, जैसे ही मैं नाश्ता करके निकला तो देखा मुझे भाई किसी ने गूगल पे कर दिए हुए 200 रुपये। तो जिसने गूगल की पे किए उनका नाम मैं लेना चाहता हूँ, उनका नाम है सूरज मंडल फ्रॉम हैदराबाद। तो थैंक यू सो मच ब्रो, और ये मेरी हर वीडियो देखते हैं तो इसलिए इनको बहुत बहुत शुक्रिया। और मैं यहाँ पर ऊपर स्क्रीनशॉट भी लगा दूँगा, तो ऐसा कुछ है भाई, थैंक यू सो मच ब्रदर फॉर हेल्पिंग मी। तो बस ऐसे ही है यार, प्यार दिखाते जाओ, वीडियो देखते जाओ और क्या। तो ऐसा कुछ है बस, अब बारिश आ रही, जैसे थोड़ी रुकती है रेनकोट वगैरह पहनता हूँ और निकलता हूँ आगे, क्योंकि स्लीपिंग बैग जो मेरा है वो कवर नहीं कर सकता मैं, बाकी ये तो मैं कवर कर सकता हूँ क्योंकि मैंने ऊपर ही रखा हुआ सारा। तो ये स्लीपिंग बैग भीग जाएगा, और अगर स्लीपिंग बैग भीग गया तो रात को सोऊँगा कैसे, फिर बिछा के सोता हूँ इसके ऊपर मैं, देखते हैं बारिश का वेट कर। नहीं भैया, रेनकोट अगर है तो उसका कोई फ़ायदा उठा लिया जाए, और ये बैक कवर पीछे है तो उसका कोई फ़ायदा उठा लिया जाए, चला जाए आस्ते आस्ते, क्योंकि एक जगह रुक के कोई फ़ायदा नहीं है। जितना भी चल पाऊँ 10 किलोमीटर 5 किलोमीटर तो चलें, आगे जाके अगर बारिश ज़्यादा तेज़ हुई तो ज़्यादा तेज़ में तो आपको पता साइकिल चला नहीं सकते, नॉर्मल स्पीड में चला, नॉर्मल शावर में साइकिल चला सकता हूँ मैं। तो ज़्यादा तेज़ हुई तो पसेंजर साइड में जाके बैठ जाऊँगा, बाकी क्या करना भाई, वहाँ पर होटल का किसी के होटल के पास बैठना भी अच्छा नहीं है, और बारिश थोड़ी तेज़ हो ही रही है। तो फिलहाल चलता हूँ, और 35 किलोमीटर है अपना रामेश्वरम, और वहाँ से 17 किलोमीटर है धनुषकोडी, ये देखो लिखा हुआ सामने। चलें जी, फ़ोन को सेव करते हैं अंदर, पॉकेट रिस्ट पॉकेट रखा हुआ मैंने, उसमें डाल दूँगा रिस्ट और वेस्ट पॉकेट जो कमर में बांधते हैं, और फ़ोन सेफ रहेगा। चलते हैं जी, बाद में मिलते हैं आप जी। वहाँ से 10 किलोमीटर आगे आ चुका हूँ, सिर्फ रह गया 10 किलोमीटर। तो ये पारम जैसा था, यहाँ पे रुकने के लिए आया मैं, बारिश तेज़ हो रही, चरण लेने के लिए साइकिल यहाँ लगाया, तो पता चला ये यहाँ टिकट लगती 10 रुपये। चलो कोई बात नहीं, टिकट लेते हैं, लेकिन सुनने में काफ़ी अच्छा बीच है ये, थोड़ा सा वो भी आपको दिखाता हूँ। टिकट कटाते हैं और कॉफ़ी शॉफ़ी मिलती है यहाँ पर, पीते हैं और थोड़ा रिलैक्स करते हैं। तो जी, अब 10 रुपये खर्चा किया ही है, तो चाय और बिस्कुट का एंजॉय किया जाए ठंडी ठंडी हवा में। बारिश बूंदाबांदी हो रही है और सामने मेरे बीच, ये देखो
देख रहे हो। चलो भाई बुंदाबांदी चेंज हो गया, बट मैं आ गया यहाँ पे थोड़ा बीच देखने, समुंदर। और यहाँ पे लहरें जो है शांत है, यहाँ पे लहरें आ नहीं रही हैं, उछल नहीं रही है, देखो शांत है, पानी खड़ा हुआ है। तो बीच बीच में, और यहाँ से तकरीबन 2 किलोमीटर की दूरी में आइलैंड है, ठीक है, वो थोड़ा थोड़ा मुझे दिख रहा है, कैमरे में दिखेगा नहीं। तो वहाँ पे बोट को फेरी लेके जाते हैं, वहाँ पे स्कूबा डाइविंग वगैरह और कुछ कुछ करवाते हैं वो लोग, तो ऐसा कुछ है। और यहाँ पीछे मेरे सामने बोट लगी, अभी धुंध है, फॉग है, तो उस वजह से भी नहीं दिखेगा कैमरे में, ठीक है। 10 रुपये दिए हैं तो भाई थोड़ा बीच का इंजॉय किया जाए, कैसा बीच है। और टाइम हो गया 12 बज रहे हैं, अभी तक तो मैंने आराम से पहुंच जाना था अगर बारिश नहीं होती, साफ मौसम होता, बट बारिश है कोई नहीं। और अब मैं निकल चुका हूँ और मैं आ चुका हूँ बहुत ही ज़बरदस्त जगह में भाई साहब, बताता हूँ आपको कौन सी जगह है वो। मैं जा रहा हूँ ब्रिज से, जो कि मेरे लेफ्ट साइड और राइट साइड समुंदर है, और मेरे ये लेफ्ट साइड में भी रेलवे ट्रैक है और समुंदर है, और लोगों की गाड़ियां खड़ी हैं, लोग व्यू का नज़ारा ले रहे हैं। ये देखो भाई, वाह, ये देखो यहाँ से समुंदर का पानी आ रहा है, ये पानी यहाँ से नीचे आ रहा है और यहाँ जा रहा है इस एरिया में, और यहाँ बहुत सारी गाड़ियाँ रुकी हुई हैं देखने के लिए, व्यू का नज़ारा लेंगे। बट अब बूंदाबांदी फिर शुरू होगी, चले भाई शूट करना था लेकिन बूंदाबांदी शुरू हो चुकी है यार। तो जी मैं पहुँच चुका हूँ रामेश्वरम सिटी के अंदर, तकरीबन 1 किलोमीटर होगा टेम्पल, बट बात ये है कि टाइम हो चुका 3 और बारिश के वजह से यार बुरा हाल हो गया। आराम आराम से रुकते रुकते 3 बज गए हैं और यहाँ पे दर्शन 12:30 बजे के बाद बंद हो जाते हैं, तो इसलिए फिर कहीं रुकने का जुगाड़ देख रहा हूँ मैं, जैसे रुकने का कहीं जुगाड़ बनता है देखते हैं यहाँ पे क्या सीन है, अभी दर्शन वर्शन का पूछते हैं फिर बताते हैं आपको। तो जी अभी मंदिर के द्वार बंद है, खुलेंगे 4 बजे, मैंने पता कर लिया, तो खाना वाना खाते हैं और उसके बाद फिर वेट करते हैं, या तो फिर जहाँ रुकना है उसका इंतज़ाम करते हैं, देखते हैं कैसे क्या होता है, आपको बताएंगे। तो जी भूख बहुत ज़ोर से लगी थी भाई, तो थाली लगवा ली है 110 रुपये का, 120 रुपये की, उसमें सारा कुछ रोटी वोटी सब कुछ रहेगा, तो देखते हैं क्या क्या रहेगा, तो वो खाते हैं बताते हैं आप। ये आ गया अपना खाना, दही, बंद गोभी सब्जी, दाल, आलू की सब्जी, अचार और रोटी, चार और चावल। खाना पीना हो गया अपना मस्त पेट भर के, अब 3:15 हो रहे हैं, 4 बजे का दर्शन होंगे, थोड़ा वेट कर लेता हूँ और दर्शन करके ही फिर जाके रुकने का इंतजाम करता हूँ जी। चले दर्शन करने के लिए यहाँ पे, ये तो वो धाम है अपना, 4 धाम में से एक धाम है रामेश्वरम, तो इसलिए यहाँ पे लुंगी वुंगी पहनने की कोई ज़रूरत नहीं है, ऐसे भी आप जा सकते हैं। तो देखते हैं फ़ोन शोन जहाँ तक अलाउड है ले जाएंगे, नहीं होगा तो फिर रख लेंगे। बाकी 4 बजे दर्शन है, अभी 3:30 हो गए, 3:15 तो लाइनें लग चुकी हैं, तो चले हम भी लाइन में लगते हैं और जाते हैं। बट ये एंट्री कहाँ से, तो साइकिल अपनी उधर लगी पार्क में, पार्किंग की है, और ये बाज़ार वगैरह। और हाँ आज शनिवार है, भीड़ बहुत कम है, नहीं तो संडे के दिन काफ़ी भीड़ होता है। तो चलें जी फ़ोन रखें अंदर। तो जी ये अंदर का एंट्री कुछ ऐसा है, यहाँ पूरा लाइन में लगना पड़ता है जब भीड़ होता है, तो अभी तो सीधा अंदर।
तो जी यहाँ फ़ोन अलाउड नहीं है, लेकिन जैसे तैसे मैं चोरी छुपे शूट कर रहा हूँ। तो यहाँ पे स्कैम कर रखा हुआ है यार, स्पेशल दर्शन के नाम पे 100-200 रुपये ले रहे हैं, और दर्शन तो वही होते हैं ये मंदिर। सर छुपा लो। तो ये देखो लाइन लगी, ये अंदर का सीन है, चोरी छुपे भैया फ़ोन छुपा लो। तो यहीं तक शूट कर सकता हूँ भाई, इससे ज़्यादा नहीं कर सकता जी। हो गया दर्शन बहुत अच्छे से। तो आज तो भीड़ बहुत कम थी, क्योंकि आज शनिवार था इसलिए, और कभी भी आओ आप संडे के टाइम मत आना, बहुत भीड़ होती है। तो इसलिए आज संडे था, शनिवार था, तो अच्छे से दर्शन हो गए। और जल अभिषेक करते हुए भी देखा, पुष्प माला चढ़ाते हुए भी देखा मैंने, काफ़ी मज़ा आया। तो ये है जी, वाह, हर हर महादेव। तो जी 4 बजे दर्शन हो चुके थे, 4:15, और तकरीबन 1-1.5 घंटे से घूम रहा हूँ यार, कहीं भी रुकने का जुगाड़ नहीं हो रहा है। सिंगल बंदे को यहाँ कहीं रुकने नहीं दे रहे, आश्रम वाश्रम कहीं पे भी। तो अब मैं सोच रहा हूँ धनुषकुड़ी की तरफ मैं निकल पड़ा हूँ, और वहीं रास्ते में कहीं सुनसान वगैरह हो या पेट्रोल पम्प हो तो कैंपिंग कर लेंगे। और उससे क्या है कि धनुषकुड़ी सुबह थोड़ा कम रहेगा, अभी है 19 किलोमीटर, तो 5-7 किलोमीटर पर चला लूँगा कल, सिर्फ 1 घंटे में पहुँच के वो कर लूँगा, अपना घूम फिर के आ जाऊँगा। तो चलते हैं, अब निकल पड़ा हूँ धनुषकुड़ी की ओर, तो देखता हूँ कैसा रहता है, क्या रहता है, बताता हूँ आपको। तो जी धनुषकुड़ी जा रहा था, वहाँ पे तो भाई चेक पोस्ट में बंद हो गया बैरिकेड, 6 बजे के बाद अलाउड नहीं है। तो थोड़ा 2-3 किलोमीटर पीछे आके एक इंडियन ऑयल का पंप नया नया चल रहा था, तो बड़ी मुश्किल से रिक्वेस्ट करके रुकने दिया इन लोगों ने। तो कैंपिंग वैम्पिंग हो गई, सुबह निकलते हैं अर्ली मॉर्निंग धनुषकुड़ी के लिए। रामेश्वरम का ब्लॉग यहीं तक था, मिलते हैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में, बाय बाय।